हेलो गाइस, क्या आप इस तरह की फ़ोटो को अगर आप कुछ अलग अंदाज से एडिट करना चाहते हैं, जैसे इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड में फुल आपको एडिट करके बताऊंगा और आप कैसे क्या एडिट करें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा और जानकारी दूंगा फुल डिटेल के साथ। बस आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, पॉज मत कीजिए और तभी आपको समझेगा कि मैं कैसे। सबसे पहले तो इस फोटो को हम लाइटरूम एप्लीकेशन में देखिए, मैं लाइटरूम में ये कर दिया है। तो यहाँ पे भी लाइटरूम में डायरेक्ट में ओपन किया करके रखो, तो आप भी डायरेक्ट लाइटरूम में ओपन कर लीजिए। सिर्फ आपका जो बैकग्राउंड है फोटो का वो ग्रीन या फिर ग्रीन आपको अगर नहीं बनाना आ रहा तो मैं आपको बना दूंगा, ग्रीन कैसे बनाना पड़ता है वो भी बता दूंगा। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे सब नीचे देखिए कलर का ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है ना, तो इसको मैं क्लिक किया कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सर का ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे टू नंबर पे इससे क्या होगा, इससे आपका कैसे ना वो लाइट वाइट इफेक्ट देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे, थोड़ा बोल तो 10 तक बहुत हो गया, 10 माइनस करेंगे, 10 ठीक है 10 15 ठीक है, 20 माइनस करेंगे। 20 के बाद लुमियास को थोड़ा प्लस करेंगे, जिससे आपका जो फोटो का जो स्किन है ना वो एकदम लाइट वाइट इफेक्ट देंगे, ठीक है। फोन नंबर पे आप देख सकते हो ग्रीन बैकग्राउंड, इसीलिए मैंने ग्रीन वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा पूरा माइनस करना हुए को, ठीक है, हुए को माइनस करने के बाद सेचुरेशन को थोड़ा सा प्लस करना, जिससे ये और अट्रैक्टिव दिखेंगे। लुमियास को प्लस करना, लाइट वाइट इफेक्ट आएगा, ठीक है। इससे ठीक है, ये लाइट हो गया, देखिए येलो हो गया, पूरा बैकग्राउंड येलो हो गया फ्रेंड्स, देख सकते हो। और आप मेरे गॉगल्स का भी कलर, फोटो का गॉगल का कलर चेंज कर लेते हैं, आप अगर गॉगल पहने हो तो उसका भी आप कलर इससे चेंज कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम जाएंगे नीचे वाला ऑप्शन देखिए, सबसे ऊपर है फोन नंबर पे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करना प्रोफाइल के ऑप्शन पे, और यहाँ पे देख सकते हो आर्टिस्टिक 03, ठीक है। आर्टिस्टिक 03 से क्या होगा, जो आपका बैकग्राउंड है ना वो आपको बिना एडिट के अपने आप ही रेड हो जाएगा, जिससे सिर्फ आपको है ना येल्लो बैकग्राउंड रखना है, जिससे फोटो रेड बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। हो गया पूरा राइट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसके बाद फाइनल टच आप कैसे देंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, पॉज मत कीजिए, तभी आपको समझेगा। कोई वॉइस के साथ वीडियो डालता नहीं है, पर मैं वॉइस के साथ फुल डिटेल के साथ वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बढ़ाएंगे थोड़ा कॉन्टेक्ट 30 तो नहीं, पर 20 तक बहुत हो जाता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट 20, ठीक है, बढ़ाया कॉन्टेक्ट। हाईलाइट को भी थोड़ा पूरा प्लस ही कर देंगे 70 तक, शेडो थोड़ा सा प्लस करेंगे शेडो, और वाइटनेस भी प्लस करेंगे, ठीक है, और ब्लैक हेड थोड़ा ही प्लस करेंगे ब्लैक हेड, ठीक है। देख सकते हो अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा ज़्यादा, पर अभी इसको टच देंगे ना फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है, क्लियरिटी थोड़ा बढ़ा दिया, क्लियरिटी बढ़ा दिया है थोड़ा, ठीक है। क्लियरिटी के बाद यहाँ पे डैजलर का ऑप्शन है ना, डैजलर, तो उसको भी आप थोड़ा माइनस कर दीजिए, जिससे आपका फोटो है ना प्रोफेशनल लुक में दिखेंगे, ठीक है। थोड़ा 25 बहुत हो गया, ठीक है, 25-24, फिर विजनेट को भी माइनस कर दीजिए, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब इसको स्मूथ करेंगे हम, इसको फ्रेंड्स स्मूथ करेंगे, स्मूथ करने के लिए आप ट्रायंगल जैसा ऑप्शन है ना, इसको क्लिक कर लीजिए डिटेल का ऑप्शन को, फिर यहाँ पे आप नॉइसनेस को बढ़ाइए, जैसे देख सकते हो कि नॉइसनेस से क्या होगा, नॉइसनेस से मेरा वाला जो फोटो का स्किन है ना वो पूरा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। नॉइसनेस रेडियंस देख सकते हो, इसको प्लस करना, ठीक है, ज़्यादा प्लस नहीं करना जिससे धुंधला हो जाएगा फोटो, पर कम ही प्लस करना, ठीक है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो यहाँ पे डबल कलर का ऑप्शन में जा रहा हूँ, कलर का ऑप्शन को जाने के बाद टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस करेंगे और टीन को थोड़ा सा प्लस करेंगे, ठीक है, और डबल मिक्सचर में जाऊँगा मैं, आप देख लो फ्रेंड्स, डबल मिक्सचर में जा रहा हूँ और फिर जो सेचुरेशन है ना उसको प्लस कर रहा हूँ, जिससे कि आपका फोटो है ना और रेड हो जाएगा, और जो लुमिया से उसको वापस पहले की तरह कर रहा हूँ, अगर इसको और माइनस करेंगे तो वो डार्क हो जाएंगे फ्रेंड्स। अभी इतना ठीक है, आप देख सकते हो फोटो पूरा कंप्लीट हो गया है, फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको ये भी जानना है कि इसका बैकग्राउंड पहले से ग्रीन नहीं था आपके फ़ोटो का, तो ग्रीन करने के लिए मैं उसकी भी आपको वीडियो बना के दूंगा, सिर्फ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो लाइक कर लीजिए मेरे चैनल को और ज्वाइन हो जाए हमारे यूट्यूब फैमिली में, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ज्वाइन होना है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको
क्लिक करेंगे तो आपके होम स्क्रीन पे मेरे न्यू वीडियो की और न्यू एडिटिंग की ट्रेनिंग एडिटिंग की वीडियो आने के लिए भी बेल आइकन को प्लस कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे।